हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं सौरभ और मैथ्स के इस लेक्चर नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो यूट्यूब कोर्स चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं हूँ सौरभ और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। इस लेक्चर के बाद जो इसका पीडीएफ होता है, नोट्स जो है लेक्चर का, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट मिलेगा, वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है और वहां से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। यही नहीं, वीकली बेसिस पे हम जितने भी सवाल करवाते हैं उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपको वीकली बेसिस पे मिलता है, वो भी आपको हर सैटरडे प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये भी आपको कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में, जो नीचे लिंक प्रोवाइडेड है वहां से आप कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर्च इंडाइसिस का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, अब कुछ और नए कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इस तरीके के सर्च जब भी आपको देखने को मिलता है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखे थे, कुछ वही जो आइडेंटिटीज हमने देखा हुआ है उसी को हमें यूज करना है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का टर्म दिखता है कि यहां पर एक इंटीजर है और प्लस 2 में यहां पर कोई इरेशनल नंबर यानी सर्ट्स अंदर लगाया हुआ है और आपको स्क्वायर रूट निकालने को कहा जा रहा है, जब बीच में प्लस साइन है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और अगर यहां पे माइनस साइन है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक, तो क्योंकि यहां पे प्लस है तो हम क्या याद करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो करना क्या है इस तरीके के सवाल में, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो अब इसे कैसे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हमें यहां से इस चीज को स्क्वायर रूट के बाहर लाना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है यानी वर्गमूल के बाहर अगर किसी चीज को लाना है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। क्लियर, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 18 × 8, 18 × 8 देखने से आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो सबसे पहली बात इसमें 9 छुपा हुआ है, तो इस 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 2 लिख सकता हूं और ये 8 हो जाएगा स्क्वायर। अब इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 × 16 हो जाएगा। स्टेप वाइज मैं सारी चीज समझाऊंगा। अब स्क्वायर रूट आपको 9 का पता है जो कि होता है 3, स्क्वायर रूट आपको 16 का पता है जो कि है 4, तो ये टोटल 12 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते थे, ये 144 होगा और इसका स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। ठीक, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर भी हम यही करने की कोशिश करेंगे कि ये 4 है और यहां पर कुछ इस तरीके से वैल्यू चल रहा है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इससे कंपेयर करेंगे 4 + √3 को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ और नहीं है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और कहीं ना कहीं हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में ले आ सकते हैं तो आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर लेकर जा पाएंगे। अब क्लू की बात करते हैं, यानी कि जो आपको हेल्प करने वाली पार्ट है वो कहां से पता चलेगा, तो वो आपको इस पार्ट से पता चलेगा, 2 और ये जो रूट वाला पार्ट है, इसको आप कंपेयर करिए फॉर्मूला के 2ab वाले पार्ट से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो 2√3 है इसको आप कंपेयर करिए 2ab वाले पार्ट से, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इसको हम 2 × क्योंकि 2 तो अलग है वो तो रहेगा, √3 × एक और वैल्यू जो है उसको हम 1 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, √3 + 1 2। अब आपको यह कंपेयर करना है कि एक्स्ट्रा दो टर्म हमने लिखा, क्या यह टर्म 4 के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया, जिसमें a का काम कौन कर रहा है तो √3 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है तो 1 कर रहा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है 4 + √3 इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था √3 + 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जिसमें ए स्क्वायर आपका √3 का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपका 1 का होल स्क्वायर है, प्लस 2ab है, 2 √3 और 1। तो अब ये स्क्वायर रूट
अब ये स्क्वायर रूट और ये परफेक्ट स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, क्लियर, ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन। तो ये सारी चीजें जो है ये हमको मेंटली भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों को मैं हटा देता हूं, मतलब कुल मिला के हमारा जो वैल्यू है वो है रूट थ्री प्लस वन। रूट थ्री का वैल्यू हमने देखा था 1.732 होता है, इसमें प्लस का एक करोगे तो 2.732 हो जाएगा, ठीक। तो उत्तर जो है इसका बी है, समझ में आया। अब ये तो कॉन्सेप्ट है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लाना है, कैसे लाना है उसका क्लू मैंने बताया, आप 2ab वाले टर्म पर आप फोकस करिए, 2ab वाले टर्म पर फोकस करते हुए आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यहां पर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। आपने यहां फॉर्मूला देख लिया होगा, यहां पर जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर का यूज करना है, जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो एक गलती यहां पर या एक आपका हर्डल जो फेस होगा, मैंने बोला कि आप 2ab वाले टर्म को कंपेयर करिए, ठीक। तो यहां पर आपका माइनस ऑफ रूट 21 है जिसमें 2 तो है ही नहीं, तो करना क्या होगा, हमें अपने मर्जी से एक 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। मतलब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 5 माइनस रूट 21 दिया था, तो मैं क्या करूंगा इसमें अंदर ऊपर नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से लिख लेंगे, तो 2 जब अंदर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये माइनस 2ab के फॉर्म में है, और ये जो रूट 21 है, रूट 21 को इस तरीके से तोड़िए कि 2ab भी बन जाए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 10 थे, तो आपका जवाब होगा सर इसको हम लिख लेते हैं रूट 7 इंटू रूट 3 इस तरीके से। तो सर्च इंडाइसेस में ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कि अगर हम nth रूट ले रहे हैं a का और nth रूट ले रहे हैं b का, तो आप इकट्ठा nth रूट ले सकते हैं ab का, वही हम कर रहे हैं यहां पे कि स्क्वायर रूट, nth रूट मतलब यहां पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मतलब वर्गमूल ले रहे हैं 21 का, तो इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो या इकट्ठा मल्टीप्लाई करने के बाद भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये जो 21 है इसको हम रूट 7 इंटू रूट 3 के टर्म्स में तोड़ सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये सीधा सीधा वैल्यू बन जाएगा इसका रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इससे हमने स्टार्ट किया जिसका वैल्यू ये है। अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा हटा देता हूं, मतलब कि समझिए इस बात को कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालने पे गए थे, इसका हमें निकालना था स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका भी स्क्वायर रूट और ओवरऑल इसका भी स्क्वायर रूट, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं, सॉरी माइनस में है ना, ये माइनस में था तो ये माइनस होगा, इसको माइनस इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये माइनस में है, ठीक। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला बना ये बना ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें ए रूट 7 है बी रूट 3 है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या ऐसा नहीं लिख सकता, नीचे 2 डिवाइड करके ऊपर आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3, ठीक, का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब कि देखिए ये स्क्वायर रूट जो है ऊपर वाले को काट लेगा, ये जो स्क्वायर रूट है इसको काट देगा, ये रूट 2 अंदर का अंदर फंसा रहेगा, ठीक, 1 बाय रूट 2 और ऊपर आ जाएगा रूट 7 माइनस ऑफ रूट 3। तो जवाब इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों है, जब भी हम रूट का वैल्यू निकालते हैं तो अभी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, धनात्मक वैल्यू, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये ऋणात्मक संख्या है, बाकी तो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेटेड है। हमेशा जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी चीज का तो वो धनात्मक होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो इस केस में एक्स का वैल्यू प्लस 2 भी होता है और एक्स का वैल्यू माइनस 2 भी होता है, और एक्स का वैल्यू माइनस 2 भी होता है। लेकिन अगर कभी आपको स्क्वायर रूट निकालना है परफेक्ट स्क्वायर का, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस 2 होता है, इस चीज का आप नोट बना के रखिए, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर 4 कहा तो एक्स का वैल्यू 2 और माइनस 2 दोनों हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है तो यह हमेशा पॉजिटिव 2 होता है, तो इसलिए यहां पर हम ये आंसर नहीं करेंगे, केवल ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूं ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इस चीज को यहां पर लिखे हुए हैं। 2 नहीं है तो घबराना नहीं है, अपने मर्जी से आप 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो,
या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, दोनों में ये 2ab आता ही है। तो यहीं से हमें कंपैरिजन करके सॉल्व करना चालू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3 और अंडर रूट में है। तो देखिए जब तक वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, पहले रैशनलाइजेशन करना होगा। मतलब कि देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है तो मैं पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ऐसा बड़ा सा बना लेता हूं, नीचे में 7 माइनस 4 रूट 3 यही है वैल्यू। तो इसका रैशनलाइजेशन करना मतलब 7 प्लस 4 रूट 3 को ऊपर और 7 प्लस 4 रूट 3 को ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना। रैशनलाइजेशन हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है उसको देख लेंगे ताकि रैशनलाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ जाए। अब मैंने स्क्वायर रूट तो केवल नीचे था, मैंने ऊपर भी लगा लिया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये a माइनस b इंटू ए प्लस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ऊपर वाला वैल्यू जो है वो 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। नीचे वाले की बात करें तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, यहां पे 49 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 इंटू 3 करोगे तो 48 आ जाएगा, 48 जो कि क्या होता है 1 होता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 ये हमें निकालना है। अब आप अपने दिमाग को दौड़ाइए और कंपेयर करिए इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से, क्योंकि यहां प्लस है, मैंने कहा जब प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर होगा, जब माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर होगा, क्योंकि यहां पे प्लस था तो हमें क्या करना है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कंपेयर करना है। दो फॉर्मूले हम अभी तक यूज किए, पहला फॉर्मूला ये हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मैंने यहां लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, वो था ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो कि आया 48। इसका वैल्यू हो गया 1, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया गया, परमीकरण कर दिया गया, तो एक परिमेय संख्या यानी कि 1 निकल के आ गया। मतलब कुल मिला के ये जो वैल्यू हमें निकालना है ये वैल्यू कुछ और नहीं है, ये वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ये है हमें निकालना जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक। अब इसको निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात मैंने कहा आपका जो ये वाला टर्म है इसको आप कंपेयर करेंगे 2ab वाले टर्म से इससे, तो 2 इंटू एक 2 को अलग करता हूं तो 2 रूट 3 आ रहा है, तो मैं 2 को अलग लिख लेता हूं, रूट 3 को अलग लिख लेता हूं, बचा क्या 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर बचा, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसका अगर स्क्वायर रूट निकालने की बारी आ रही है तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट निकालना मतलब 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 मतलब ये जो आपको वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू है 2 प्लस रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू हमने कई बार देख लिया, एक बार और यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 1.732 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 इसका वैल्यू हो जाएगा। डी जो है सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, प्रैक्टिस हो रहा होगा आपका इस तरीके के सवाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में करिए, मेरे सॉल्व करने के पहले आपसे सॉल्व होना चाहिए ये सवाल। यहां पर आप देख रहे हैं हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करने को कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो ए माइनस बी रूट 5 है, जिसमें ए का कुछ अपना मान होगा बी का कुछ अपना मान होगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उसके ऊपर सवाल सैकड़ों बन सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट यही है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यू है जिसमें माइनस लगा है, तो आप इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करते हुए ऐसा कुछ उसमें जोड़ भाग लगाइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन के यानी पूर्ण वर्ग बन के इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। जो भी वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके के टर्म में होगा, जिसमें रूट 5 के आगे वाला वैल्यू जो है वो माइनस बी के बराबर होगा और जिसमें रूट 5 नहीं रहा वो ए के बराबर होगा। इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है, क्लियर। तो आइए कोशिश करते हैं तोड़ने की। सबसे पहली बात ये 2ab से कंपेयर होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आपका ध्यान सीधा जाना चाहिए इस 2ab वाले टर्म में, मतलब कि इस वाले टर्म में। इसको क्या कर सकते हैं हम, माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 ऐसा ही तो तोड़ा जा सकता है, क्योंकि 1 2 को तो आपको अलग करना ही होगा, तो 1 2 को अलग करने के बाद 7 और रूट 5 बच रहा है। अब इसको आगे तोड़ा ही नहीं जा सकता, या तो 7 a होगा और रूट 5 b होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, 49 प्लस 5 करने पर 54 ही तो आ रहा है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब किसका स्क्वायर रूट,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सात माइनस रूट पांच का होल स्क्वायर का अंडर रूट हमें निकालना है, जो कि हो जाएगा सात माइनस रूट पांच। ठीक है, मतलब कि ये जो टोटल वैल्यू है इसका वैल्यू था सात माइनस रूट पांच। अब इसको आप कंपेयर करिए इससे, यानी ए माइनस बी रूट पांच से कंपेयर करना है हमें। अगर ये a माइनस बी रूट पांच है तो आप बताइए खुद कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं a यहां पर जो है वो सात होगा और b कहां था, तो रूट पांच के सामने माइनस बी लगा था, यहां रूट पांच के सामने माइनस एक लगा है, मतलब b बराबर एक हो जाएगा, तो b बराबर एक हो गया। अब सवाल हमसे ये पूछ रहा था, आप ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट का वैल्यू हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा 49 का वैल्यू माइनस एक का अंडर रूट, मतलब देखिए ये हो जाएगा 48। 48 का वैल्यू क्या होता है, तो चार रूट तीन होता है। चार रूट तीन कैसे निकाला मैंने, 48 कैसे बना है, 48 बना है 48 बना है आपका 16 गुने तीन से। तो ये सारी चीज मेंटल कैलकुलेशन है। 16 अगर है तो 16 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, चार रूट तीन को बाहर नहीं निकाल सकते। अब आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, रूट तीन का वैल्यू क्या है, तो 1.732, तो चार गुने 1.732 के आसपास वैल्यू होगा, यानी 6.8 से थोड़ा सा बड़ा 6.9, यही उत्तर होगा। 8, 12, फिर 28 और 29 और यहां पे 6 बन जाएगा इसका 6.9 के आसपास जो वैल्यू है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जो स्टेप वाइज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ये जो स्टेप है ये अभी प्रैक्टिस के तौर पर आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे, आपको प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें इस तरीके के सवाल होंगे। जैसे जैसे आप इस तरीके के सवाल लगाते जाएंगे, तो आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 49 प्लस 5 जोड़ने पर इतना आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 7 माइनस रूट 5 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होगा। ए और बी आइडेंटिफाई हो गया, वहीं आपका सवाल क्लियर हो जाता है। क्लियर है कैसे हम इस तरीके के सवाल को हैंडल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आसान सा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, उत्तर दीजिए इस सवाल का, बहुत ही आसान सा सवाल मैंने यहां पे लिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस स्क्वायर रूट के जरिए इसको आगे बढ़ते जाना है। ये जो है आपका क्या बनेगा, ये 7 बन जाएगा, 7 इसमें जैसे ही जोड़ोगे तो 729 बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू 729 का हमें क्या करना था, हमें क्यूब रूट निकालना था, तो ये क्या है, ये आपका 9 बन जाएगा, 9 मतलब यहां तक का जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है, तो 9 है। अब इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ना मतलब इस 16 में 9 को जोड़ना, 16 में 9 को जोड़ना मतलब कितना, 25, और 25 के आगे क्या है, 25 के आगे है स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब यहां तक जो सारी चीजें हैं ये आपका क्या है, 5 है। ठीक है, तो मैं इस चीज को हटा देता हूं यहां से, यहां से लेकर यहां तक जो सारी वैल्यूज है इसको मैं हटा के सीधा 5 लिख सकता हूं, और 5 जैसे इसमें जुड़ेगा, 5 जाके आपके 59 पे जुड़ेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 59 प्लस 5 यानी 64, और 64 का हमें क्या निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट होता है 4। ठीक, तो अगेन ये जो क्यूब रूट से आगे तक का वैल्यू है इसको पूरा मैं हटा के यहां पे क्या लिख सकता हूं, तो 4 लिख सकता हूं, 4। ठीक है, अब 21 में 4 जोड़ना है, 21 में 4 जोड़ना है तो बन जाएगा क्या, 25 बन जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यही इसका उत्तर है, बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल मैंने जैसे बताया था, थोड़ा सा हट के सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में इस तरीके के पैटर्न देखने को मिले हैं, आगे भी मिल सकते हैं, बस इस तरह के सवाल में आपको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मतलब अंदर से बाहर की ओर आपको निकलते जाना है, क्योंकि यहीं से आपका सॉल्व होगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर कहीं ना कहीं अब हम जो फॉर्मेट देखने वाले हैं उसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का यूज होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी टू सी। तो जब तक यहां पर एक ही रूट बन रहा था अंदर, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर कर रहे थे या a माइनस बी होल स्क्वायर से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जब आप इस सवाल को देखेंगे तो यहां पर रूट इधर भी है, रूट इसमें भी है, रूट इसमें भी मल्टीप्लाइड है, तो कहीं ना कहीं हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको कंपेयर करना होगा। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात,
हमेशा जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इस तरीके सवाल में, वो यहां से कंपैरिजन करने से बनता है। और इसमें जब कंपैरिजन करोगे तो यहां पर आपका 2 2 2 मल्टीप्लाइड होना था, लेकिन सारी चीजें स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो चीजें मल्टीप्लाइड है उसमें मैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा और 4 को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, अगर ये 4 × 10 है, 4 × 10 मतलब 2 बाहर आ जाएगा और रूट 10 अंदर का अंदर रहेगा। अगला वाला वैल्यू है 4 × अगर मैं 120 कर रहा हूं तो, सॉरी 4 120 है तो 4 × 30 होगा, यानी 2 अंदर बाहर निकल जाएगा, रूट 30 बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 बाहर आ जाएगा और रूट 30 जो है ये अंदर का अंदर रहेगा। अब ये 4 × 48 है तो, सॉरी 48 है जो कि 4 × 12 है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट का 12 अंदर का अंदर रह जाएगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं 40 जो है ये 4 × 10 है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट 10 अंदर रह जाएगा। इसी तरह ये जो 120 है ये 4 × 30 है, तो 4 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट के 2 और 30 अंदर का अंदर फंसा रह जाएगा। ठीक, तो अब कंपैरिजन करिए ये 2AB 2BC और 2CA से, सच दैट हम इसको जो स्प्लिट करें यहां पर जो वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 13 के बराबर हो, और बाकी चीजें जो चल रही है ये सारी जो चीजें हैं वो AB 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA के बराबर हो। अब ऐसा करने के लिए आप देखिए यहां पर रूट 5 मल्टीप्लाइड है, इसमें भी रूट 5 मल्टीप्लाइड है, इसमें हमने क्या किया तो 2 में रूट 5 में रूट 2 मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां पे 2 के साथ रूट 5 भी लिया और रूट 6 मल्टीप्लाइड किया। ऐसा इसलिए स्प्लिट किया जा रहा है क्योंकि 2 और रूट 6 अगर ये AB है ये BC है तो AC को मल्टीप्लाई करने पर, यानी रूट 2 और रूट 6 को मल्टीप्लाई करने पर रूट 12 बनता है। तो ये मामला तो सेट हो गया कि 2AB इंटू 2BC प्लस 2CA वाला वैल्यू। एक बार बस ये देखिए कि यहां पर 13 बन रहा है क्या इन तीनों के स्क्वायर से, यानी रूट 5 के होल स्क्वायर से 5 आएगा, रूट 2 के होल स्क्वायर से 2 आएगा, प्लस रूट 6 के होल स्क्वायर से 6 आएगा। तो इसको जोड़ने पर कहीं ना कहीं 13 आ रहा है, मतलब ये जो सारी चीजें दी हुई है इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। और सवाल में हमसे ये नहीं पूछ रहा था, हमसे इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू पूछ रहा था, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट, सेकेंड वाले का भी स्क्वायर रूट और तीसरे वाले का भी स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, वैल्यू जो आएगा वो आएगा रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6। तो ये रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के बराबर है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो 5 प्लस 2 प्लस 6 मतलब कितना, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा कहीं ना कहीं 13। ठीक, तो 13 इस सवाल का सही उत्तर है, बी जो है आंसर करेक्ट होगा इस सवाल का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इस तरीके के सवाल में भी आपको चौकन्ना रहना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स वाला जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने क्वेश्चंस देखे थे सिंप्लीफिकेशन में, वो यहां पर भी काम आते हैं सर्च इंडाइसिस में, और एल्जेब्रा नंबर सिस्टम कंबाइन करके बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बिना ये सर्च इंडाइसिस का सवाल आपसे नहीं बनेगा, तो वो जानना जरूरी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि सिंप्लीफिकेशन में कवर था, और फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इसके लिए हमने सर्च इंडाइसिस में स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो उस परफेक्ट स्क्वायर का तो बाहर एक बार वो चीज निकल के आ जाता है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर सॉल्व करिए। यहां पर मैं यहां अभी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आंसर क्या आ रहा है, मैं यहां अभी सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 729 क्या होता है, 3 के घात 6 होता है, और इसका 6th रूट निकालना को कहा जा रहा है, मतलब कि कुल मिला के ये तो 3 ही हो गया। माइनस के आगे देखोगे तो 36/4 है, तो 4 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 9 का वर्गमूल फिर से 3 होता है, मतलब कुल मिला के एक्स का वैल्यू क्या है तो 0 आ गया। ठीक, वाई में आते हैं, तो वाई में आप देखेंगे 112 है स्क्वायर रूट के अंदर, 63 है और 28 है। एक चीज जो कॉमन निकल रहा है वो है 7, रूट 7 बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन बाकी चीजें, ये जो 63 है क्या है 9 × 7 है, 112 क्या है तो 16 × 7 है, 28 क्या है तो 4 × 7 है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो y का वैल्यू निकालना आसान होगा, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3√7। 16 है तो 16 से 4√7 बन जाएगा, 4 है तो ये 2√7 बन जाएगा, नीचे क्या बचा तो यहां से बचा 3√7। ठीक है, तो बताइए वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस
चार हो जाएगा, छह प्लस तीन करोगे तो नौ अंडर रूट सात आ रहा है न्यूमरेटर में, और नीचे आ रहा है तीन अंडर रूट सात। इसको काट के हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू रूट सात से रूट सात गया, यहां पे तीन आ गया वैल्यू, मतलब y का वैल्यू है तीन, x का वैल्यू है जीरो। हमसे पूछ रहा था x प्लस y का वैल्यू, मतलब जीरो प्लस तीन का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, जो कि कितना होगा तो तीन हो जाएगा। ठीक, ए इस सवाल का सही उत्तर है। आई होप ये सवाल भी आपसे अच्छे से बना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आई होप कि आपको जो थ्योरी पार्ट हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे सवाल मैंने और बार बार यहां पे लिए, फिर से एक और फॉर्मेट उसी प्रकार का लिया हुआ है ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस है। तो इसके अलावा भी जितने सवाल हमने यहां कराए हैं, आपको जो वीकेंड में जो शीट मिलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें और भी सवाल जो मैंने यहां पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर आपको शीट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से जितने ज़्यादा व्यूज बढ़ते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ देख पा रहे हैं 11 माइनस 3 और रूट 8 है, तो कहीं ना कहीं माइनस है। तो मैंने कहा हुआ है कि आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको कंपेयर करना है। a माइनस बी के होल स्क्वायर से देखोगे तो यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो 2 कैसे निकल सकता है? रूट 8 जो होता है ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बना है, 4 इंटू 2 से बना है। तो ये रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो कहीं ना कहीं हम इसका 2 को बाहर निकालेंगे और कुछ इस तरीके से इसको तोड़ के लिखेंगे कि 11 माइनस 3 रूट 8 जो है ये 11 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 होगा। अब आप इसको देखते साथ जब हमको स्क्वायर रूट निकालने को कहा जा रहा है तो मेंटली आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए कि a माइनस बी जो है इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें जो 2 है ये 2 अलग हो जाएगा और 3 और 2 बच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं a का काम 3 कर रहा है, रूट 2 का काम जो है वो b कर रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ने पर कहीं ना कहीं 11 बन रहा है, माइनस 2 अलग हो जाएगा, 3 इंटू रूट 2 अलग हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना था। तो ये क्या है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करना है। अब इसमें से यदि मैं इस स्क्वायर रूट और 2 को हटा दूं तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 3 माइनस रूट 2, और 3 माइनस रूट 2 का वैल्यू सवाल में क्या दिया हुआ है? तो a प्लस बी रूट 2 दिया हुआ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस कंपेरिजन करना है और ए बी का वैल्यू निकालना है। मतलब a का वैल्यू क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। यहां पे हमें वैल्यू इसका निकालना था, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू रूट 2 के सामने माइनस 1 है, यहां रूट 2 के सामने b है, मतलब b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, माइनस का 1। ठीक, तो a यहां पर 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, b यहां पर 3 इंटू माइनस 1 करोगे तो माइनस का 3 होगा, तो आंसर हो गया आपका 3। ठीक है, तो b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो रहा होगा कि कभी भी हमें a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कभी यूज करना है। साथ ही साथ अगर तीन तीन रूट दिख जाए तो वहां पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को यूज करते हुए स्क्वायर रूट के बाहर उस सर्ड को निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर हमें निकालना है कि जब एक्स बराबर 2 अंडर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो हमें x प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 5 प्लस x प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 3, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। देखिए ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के सवाल सेम पैटर्न में एलजेब्रा में भी आता है, सर्ड्स इंडाइसेस में भी आता है। इसका आंसर जो होता है वो डायरेक्टली 2 होता है, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं। कभी भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखा आंसर 2 मार्क करके आप आगे जा सकते हैं। पहले मैं इसका थ्योरी बता देता हूं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या है समझ लेंगे, क्योंकि इस चीज को मैं आपको रेशियो में भी समझाऊंगा। अभी पहले समझ लेते हैं कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो को यूज कैसे करना है। सपोज करिए हमें दिया हुआ है कि अगर ए बाय बी, ए बाय बी यदि दिया हुआ है कि a बाय बी बराबर है c बाय डी के, तो सबसे पहली बात
ये हमें गिवन कंडीशन था, ये दिया हुआ था हमें। अगर मैं दोनों तरफ प्लस वन करूं, यानी ए बाय बी में भी प्लस वन करूं, सी बाय डी में भी प्लस वन करूं, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंट रूल। तो वैल्यू क्या आता है, ए प्लस बी बाय बी बराबर सी प्लस डी बाय डी, ये आता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंटो कहते हैं। यदि मैं दोनों में माइनस करूं, ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्पोनेंटो। यदि मैं दोनों में माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या मिलेगा, ए माइनस बी बाय बी बराबर है ए सी माइनस डी बाय डी बराबर है सी माइनस डी बाय डी। तो ये जो माइनस वाला रूल है, ये दोनों तरफ माइनस वन करने से बनता है। तो पहले वाले जो रूल है इसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंटो, और दूसरा वाला जो रूल है इसको हम कहते हैं डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने का मतलब है कि अगर ये रूल नंबर वन है, ये रूल नंबर टू है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रिजल्ट ये कहता है कि एक बटा दो, अगर मैं एक और दो को डिवाइड कर दूं तो ये बी से बी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर है सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। यही आपका सी एंड डी यानी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं, तो सी एंड डी कहते हैं, सी एंड डी अप्लाई करना, सी एंड डी अप्लाई करना यानी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो का मतलब ये, डिविडेंडो का मतलब ये, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मतलब ये, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है अगर आपको ए बाय बी बराबर सी बाय डी दिया हो तब। चलिए अब हम आते हैं इस सवाल में, और इस सवाल में मैंने जो आपको उत्तर बताया वो ऐसा क्यों है वो समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, आप इस फॉर्म को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर एक्स बराबर टू ए बी बाय ए प्लस बी के फॉर्म में, और यहां एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए है, प्लस एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस बी, कहीं ना कहीं यही चीज चल रही है। तो आप एक फॉर्मूला के तहत इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला के तहत हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कभी भी हमको सवाल इस पैटर्न में मिले कि गिवन क्या है, गिवन कंडीशन है एक्स बराबर है टू ए बी बाय ए प्लस बी, ठीक, और आपसे पूछ रहा है वैल्यू, आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी बटा एक्स माइनस बी, इसका वैल्यू क्या है आपसे अगर पूछ रहा है, तो आंसर हमेशा क्या होता है, आंसर हमेशा इसका टू होता है। कैसे मैंने इसको फटाफट बता दिया आंसर टू होता है वो समझिए आप। यहां पर देखिए, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं। एक बार मैं ए को नीचे ले आता हूं तो एक्स बाय ए हो जाएगा बराबर है 2b बाय ए प्लस बी, एक बार मैं यहां से b को नीचे ले आता हूं तो b को नीचे लेकर आऊंगा तो बन जाएगा x बाय बी बराबर है 2a बाय ए प्लस बी, ठीक है 2a बाय ए प्लस बी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लगाते हैं इसमें, इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे, तो c एंड d लगाने पर क्या होगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं अगले स्टेप में, दोनों जगह पे c एंड d लगाएंगे, c एंड d लगाने पर यह बन जाएगा x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए, यहां पर हो जाएगा 2b प्लस ए प्लस बी, तो 2b प्लस ए प्लस बी होगा तो 2 3b बन जाएगा प्लस ए, और नीचे क्या होगा 2b माइनस ऑफ ए माइनस बी, मतलब b बचेगा माइनस का a बचेगा, ठीक ये होगा इसका वैल्यू। इसकी बात करते हैं, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो x प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी है, इसमें 2a प्लस ए प्लस बी होगा तो 3a प्लस बी बन जाएगा, और 2a माइनस ए माइनस बी करोगे तो a बचेगा माइनस का b बचेगा, ठीक a बचेगा माइनस का b बचेगा, ये है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा, इस फॉर्मूले को जो हमें फाइंड करना है उसमें मैं ये चीजों को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे जो फाइंड करना था वो ये फाइंड करना था, जिसमें x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं 3b प्लस ए बाय बी माइनस ए, क्योंकि x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए का वैल्यू यही है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं वैल्यू, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इसके जगह पर लिख सकते हैं ये वैल्यू 3b प्लस ए बाय बी माइनस ए, और x माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं x प्लस बी बाय एक्स माइनस बी के जगह, x प्लस बी बाय एक्स माइनस बी की जगह मैं ये लिख सकता हूं 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ठीक तो प्लस है बीच में। अब जैसे ही इसको ऐड करना है तो ऐड करने पर नीचे डिनोमिनेटर बनेगा b माइनस ए का,
डिनोमिनेटर में आएगा बी माइनस ए, और बी माइनस ए मतलब ये थ्री भी तो ऐसे ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ए भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये क्योंकि ए माइनस बी था और ये बी माइनस ए है, तो ये माइनस का थ्री है यहां पे आ जाएगा और यहां पे माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो थ्री बी में से बी गया तो बचा टू बी, ए माइनस टू ए हुआ तो माइनस टू ए, और नीचे बचा बी माइनस ए। अगर मैं टू को कॉमन निकालू तो अंदर क्या बच रहा है, बी माइनस ए ऊपर भी बच रहा है और बी माइनस ए ऊपर भी बच रहा है, तो बी माइनस से कट गया, आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो एग्जाम में इतनी सारी चीजें नहीं करना है, इसको एक थ्योरम के तहत आप याद रखिए, और थ्योरम जितना ज्यादा आप याद रखेंगे इस तरीके के थ्योरम्स को, तो यहां पर मैं वैल्यू कुछ भी चेंज कर लूं आंसर तो उतना ही आना है। जब आप उस क्वेश्चन में जाएंगे वापस, तो क्वेश्चन में ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे रूट पांच है, बी के जगह पे रूट तीन है, तो टू इंटू रूट पांच इंटू रूट तीन बटा रूट पांच प्लस रूट तीन है। वैल्यू क्या निकालना है, एक्स प्लस रूट पांच बटा एक्स माइनस रूट पांच प्लस एक्स प्लस रूट तीन बटा एक्स माइनस रूट तीन, जिसका वैल्यू कुछ भी हो, यहां पर ए बी का वैल्यू कुछ भी हो, आंसर हमारा जो आना है आंसर यही आएगा जो कि है टू। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन फिर से मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, वो एक थ्योरम के तहत आप याद रखिए, आंसर इसका टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अब ए माइनस बी का वैल्यू हमें निकालना है यहां पे, तो अगेन कंपेरिजन करना होगा कि ए रूट थ्री प्लस तीन था और यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू तो नहीं आना चाहिए, तो यहां पे आपको रैशनलाइजेशन करना होगा। हमें जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया था 8 प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री प्लस पांच। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको यहां से उठाकर यहां ले जाइए और रूट थ्री के सामने जो टर्म्स आ रहे हैं दोनों तरफ उसको इक्वेट करेंगे ए बी के टर्म्स में, और जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसको भी इक्वेट करेंगे दोनों तरफ ए बी के टर्म्स में। तो ए बी के टर्म्स में दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल है ए और बी, इसको सॉल्व करने पर ए का वैल्यू अलग और बी का वैल्यू अलग आ जाएगा और ए माइनस बी आपको निकालना है। या फिर क्या है कि आप इस चीज को ए माइनस ए ए रूट थ्री प्लस बी के फॉर्म में लेकर आए, और जो रूट थ्री के सामने है वो ए है और जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा वो बी होगा, क्योंकि यहां पर भी कुछ इसी प्रकार है। ठीक, तो इसमें रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, तो ऊपर नीचे हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, थ्री रूट तीन माइनस पांच, और यहां आ जाएगा थ्री रूट तीन माइनस का पांच। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के जो वैल्यूज है, ये बन जाएगा थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा सत्ताईस माइनस का पच्चीस। ऊपर क्या आएगा, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 रूट तीन, आठ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 40, टू रूट थ्री और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू जो सिक्स होता है, 6 इंटू थ्री करोगे तो 18 आएगा, माइनस टू रूट थ्री इंटू फाइव करोगे तो माइनस का 10 रूट तीन आएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो नीचे तो आ रहा है भाई 2, 27 माइनस पांच 24 रूट तीन, माइनस 10 रूट तीन करोगे तो आएगा 14 रूट तीन, और यहां पे माइनस का 40 और प्लस का 18 है, इसमें सॉल्व करने पर माइनस का 22 आ रहा है, जिसमें से 2 को 2 से काटने पर 7 रूट थ्री माइनस 11 आ रहा है, और ये वैल्यू दिया हुआ है बराबर ए रूट थ्री प्लस बी के। मतलब ए क्या हुआ, तो ए हो गया भाई 7, क्योंकि रूट तीन के सामने यहां ए है और रूट तीन के सामने यहां 7 है, और यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म भी है तो कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर 11 है, तो बी बराबर माइनस का 11, बी बराबर माइनस का 11 हो गया। ठीक, चलिए अब हमें वैल्यू किसका निकालना था, तो ए माइनस बी निकालना था। ए माइनस बी मतलब ए के जगह पे 7 और बी के जगह पे प्लस 11 हो जाएगा, जो कि 18 आंसर आएगा। 7 माइनस माइनस 11 करोगे तो 7 प्लस 11 हो जाएगा, 7 प्लस 11 आंसर हो जाएगा आपका 18। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर सॉल्व करने के पहले आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो बेहतर होगा कि हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएं और फिर सॉल्व करें। तो 1 बाय 8 प्लस टू रूट 15 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 माइनस टू रूट 15 से, जो कि इसका कॉन्जुगेट है, और यहां पर भी हम क्या करेंगे 8 माइनस टू 15 टू रूट 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन करने के लिए। जब तक वैल्यू डिनोमिनेटर में है तब तक हम इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो वैल्यू को हमेशा न्यूमरेटर में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा नीचे, मतलब 64 ए स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, रूट 15 का वर्ग होता है 15, तो 4 इंटू 15 करोगे तो 60 आएगा। ऊपर क्या है तो 8 माइनस ऑफ 2 रूट 15 है, नीचे क्या है तो ये बन जाएगा 64 माइनस ऑफ 60, मतलब डिनोमिनेटर में आपका जो वैल्यू आ रहा है वो बन रहा है 4। ठीक, तो आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। ये 5 है, माइनस ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 बटे में यहां पर 4 है, माइनस ऑफ ये जो वैल्यू था इस वैल्यू का हमने वैल्यू निकाला तो आया 8 माइनस 2 रूट 15 और नीचे फिर से 4 ही है। ठीक, इसको सॉल्व करने के पहले आप देखिए यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो क्यों ना हम इस माइनस माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो ये वाला वैल्यू प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस है तो इस माइनस को हम बाहर निकाल रहे हैं माइनस वन को, तो ये वाला वैल्यू प्लस वन बन जाएगा। अब जैसे ही जोड़ने जाओगे तो ये जो वैल्यू है दोनों का एलसीएम 4 बन गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 रूट 15, 2 रूट 15 कट जाएगा, 8 प्लस 8 होता है 16, 16 को 4 से काटोगे तो ऊपर 4 बचेगा, तो 5 माइनस ऑफ 4 मतलब उत्तर आपका 1 आ रहा है, बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपसे सॉल्व होगा। अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका यहाँ पे हम करवा रहे हैं, जो भी आपके जो रैशनलाइजेशन है, तो रैशनलाइजेशन ऐसा सवाल कह के नहीं आता है कि मुझे रैशनलाइजेशन करना है, आपको सवाल देखकर समझना होगा कि कब रैशनलाइजेशन यूज करना है, कब स्क्वायर रूट आ गया तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी होगी, कब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाना है ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी। ठीक है, ये पिछले क्लास में जो मैंने कवर कराया था थ्योरी पार्ट, उससे रिलेटेड एक सवाल मैं यहाँ पे लिया हुआ हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 3, फिर क्यूब रूट के अंदर 9 है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट के अंदर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट के अंदर 9, और ये अनंत तक चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। ठीक, इनफाइनाइट तक जब भी कोई चीज चलती है तो मैंने कहा था आप इसको एक्स लेकर सॉल्व करिए, बेसिक अप्रोच है, ये आपको फेल नहीं करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह इसको मान लेता हूं कि ये x के बराबर है, इसको मान लेते हैं हम x के बराबर है। अब अगर ये x के बराबर है तो x है क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट के अंदर 9 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट के अंदर 9, मतलब ये जो सेकेंड वाले ब्रैकेट से जो चीजें चल रही है, यहां से जो वैल्यू चल रही है ये भी तो x के ही बराबर है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं x जो लिखा हुआ था, x बराबर हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 3 क्यूब रूट के अंदर 9, और 9 के बाद जो आगे वैल्यू है वो फिर से x है क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा था, और सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड वाले क्यूब रूट के बाद जो वैल्यू आया वो भी इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो अब x निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो पहली बार स्क्वायर करना होगा, पहली बार स्क्वायर करोगे तो ये बाहर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा जो कि बन जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 9x। ठीक, ये बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब अगला वाला तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हटाने के लिए एक बार मुझे क्यूब करना होगा इसका, तो मैं अब क्यूब कर लेता हूं, क्यूब करेंगे इसका तो ये 3 जो है 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 और ये क्यूब और ये क्यूब रूट हट जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 9x बराबर a के घात m के घात n होता है, a के घात mn, a टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, a टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 मतलब x टू द पावर ऑफ 6 होता है ये। जैसे ही x टू द पावर 6 हुआ अब सॉल्व हो जाएगा सवाल, यहां से जो है ये एक x इसको काटेगा तो 5 बार आएगा, मतलब x के पावर 5 जो है ये बराबर हो जाएगा इसके, इसको मल्टीप्लाई करने पर 3 63 आ रहा है, और 18 प्लस 6 करोगे तो यहां पर 24 आ रहा है, मतलब ये क्या है तो 3 के पावर 5। अगर x के पावर 5 बराबर 3 के पावर 5 है तो आप 5 और 5 को कट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि x जो है ये 5 के बराबर है, x के पावर 5 अगर 3 के पावर 5 के बराबर है तो x बराबर डायरेक्टली सॉरी 3 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 5 5 को हम कट कर सकते हैं, x बराबर 3 हो जाएगा, b जो है सवाल का सही उत्तर। ठीक है, चलिए आई होप ये जो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया उससे एक और स्टेप बढ़कर हमने यहां पर जो सवाल लिया हुआ था जो इनफाइनाइट टाइम्स था इसका अच्छा रिविजन हुआ होगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग का अच्छा खासा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2 कट जाएंगे, बचा यहां पे क्या 2 प्लस 2,
ये वाले दो को ये वाले दो से जोड़ लेते हैं, 2+2 बन जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखिए इसका रैशनलाइजेशन आपको करना होगा, या आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, 2+√2 इंटू 2-√2 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर यहां पर ये आ जाएगा तो 2-√2 बनेगा, प्लस में ये इस तरफ जाएगा तो 2+√2 बनेगा। अब देखिए ये √2 और ये √2 कट गया। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 तो ठीक है, a+b × a-b के फॉर्म में a+b × a-b होता है a² - b², मतलब 4-√2 करोगे तो 2 आ जाएगा नीचे, और 2+2 हो जाता है 4, तो बन जाएगा 2, 4+2 बन जाएगा 6, 4+2 क्या बन जाएगा 6, मतलब सी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, अगेन ये काटापीटी सीरीज के जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी पहले वाले का पहला टर्म और आखिरी वाले का आखिरी टर्म बचता है, बाकी चीजें सारी कट जाती है इसमें। इसमें भी आप देखेंगे स्पेसिफिक पैटर्न है ये, इसमें आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, √1 और √2, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखते हैं √1 √2, इसमें डिफरेंस जो है एक का है, तो अगर मैं 1/1+√2 लिख रहा हूं, ऊपर नीचे अगर मैं √2-1 और √2-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। नीचे आ जाएगा √2+1 × √2-1, मतलब नीचे एक आएगा, ऊपर इसका वैल्यू हो जाएगा √2-1। सेम चीज अब सेकेंड वाले में देख रहे हैं, सेकेंड वाला जो टर्म है ये √2+√3 है, इसके रैशनलाइजेशन करने के लिए मुझे ऊपर नीचे √3-√2 और √3-√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन नीचे a+b × a-b के फॉर्म में ये 3-2 करोगे तो नीचे तो 1 आना है, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में केवल जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा √3-√2, ठीक है, यही वैल्यू बचने वाला। मतलब कुल मिला के जितने भी वैल्यूज हैं इसको हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है, बीच में एक माइनस साइन आ रहा है, बड़ा वैल्यू पहले और छोटा वैल्यू बाद में आ रहा है, ये सारी चीजें जितनी भी चीज दी हुई है नीचे उसमें एक एक का ही डिफरेंस है, तो सब में रैशनलाइजेशन करने पर डिनोमिनेटर में 1 ही आने वाला है। तो डायरेक्टली ये जो ऊपर वैल्यूज है इसको मैं कैसे लिख सकता था रैशनलाइजेशन करने के बाद, इसको हम लिख सकते हैं √2-1, सेकेंड वाले को लिख सकते हैं √3-√2, तीसरा वाला जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूं √4-√3, चौथा जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं √5-√4, ऐसा ये चलता रहेगा और कहां पे जाके खत्म होगा तो यहां पे √121-√120 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो पहले वाले का दूसरा टर्म और दूसरे वाले का पहला टर्म कट जा रहा है, √3 अगले वाले √3 से कट जा रहा है, √4 अगले वाले -√4 से, √5 अगले वाले -√5 से कट जाएगा, और ये जो √120 है माइनस में वो पिछले वाले +√120 से कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहां पर जो √121 है ये बचेगा और माइनस का एक बचेगा, तो ये 11 हुआ, माइनस एक करोगे तो 10 आ जाएगा उत्तर, तो सी ऑप्शन जो है ये इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है, बात समझ में आई कैसे हमें यहां पर सॉल्व करना है, 11-1=10 इस सवाल का सही उत्तर है, पूरा का पूरा काटापीटी सीरीज जैसा ही है, क्योंकि सारी चीजें कट जा रही है, आखिरी वाले का आखिरी टर्म और पहले वाले का पहला टर्म बच रहा है, ये फ्रैक्शन में हमने देखा था, हालांकि ये सर्च इंडाइसेस में भी इस तरीके की सीरीज बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग तरीके का पैटर्न यहां पर मैंने लिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया हुआ है 6x-12+6x+1=13 है, तो एक्स का वैल्यू क्या है। इस तरह के सवाल का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करें, बेसिक से भी आप इसको कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा है कि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करें, विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहां पे एक्स का वैल्यू डालिए 7, 7 डालोगे तो 42-12 स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा, √30, लेकिन यहां इंटीजर है मतलब यहां पर 7 नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो यहां पर 8 है तो 48-12 करोगे तो 36, ठीक है, स्क्वायर रूट तो बनेगा इसका, बाहर आएगा, 8 × 48 करोगे +1 करोगे 49 आ रहा है स्क्वायर रूट, ये भी बाहर आ सकता है, 6+7 किया तो 13 आया, सेटिस्फाई हो गया, मतलब x का वैल्यू क्या है तो 8 है। बस यही यही करना है इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन में, ऑप्शन का यूज करिए और सॉल्व करिए।
ऐसे नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना होगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हो जाएगा। इसमें इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि किसी एक वैल्यू को आप यदि x पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो मैं हिंट आपको दे दूंगा कैसे करना है। 6x माइनस 12 को आप ले लीजिए y का स्क्वायर, तो जब इसकी स्क्वायर रूट की बारी होगी तो इसका वैल्यू हो जाएगा y, मतलब ये जो पहला वैल्यू है ये हो गया y, प्लस सेकेंड वाला जो वैल्यू है इसमें हमने क्या माना था, हमने माना था 6x माइनस 12 इज इक्वल टू y स्क्वायर माना था, मतलब 6x बराबर क्या हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस का 12 हो जाएगा, यही होगा। तो इस 6x की जगह मैं y स्क्वायर प्लस 12 डाल देता हूं, तो y स्क्वायर प्लस 12 प्लस 1 होगा तो प्लस का 13 बन जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है, इस y को दूसरे तरफ लेके जाना है तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर रूट बराबर 13 माइनस y, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो वैल्यू यहां पर आएगा उससे आपका y निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 13 पूरा, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, और ये होता है 169 प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 26y, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पर y स्क्वायर कट गया, 26y का वैल्यू आ जाएगा 26y इज इक्वल टू, ये दूसरे तरफ जाएगा तो 156, 26 से अगर इसको काटते हैं तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है ना, 26 कितने बार कटेगा, 6 टाइम्स, मतलब y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 6, अगर y का वैल्यू 6 है तो ये 36 बन जाएगा। यहां से आप 6x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6x बराबर 48 लिख सकते हैं, 6 से काटोगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा, ये हो गया बेसिक अप्रोच, बट इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जब हमारे पास ऑप्शन में 8 दिया हुआ है तो आप ऑप्शन में 8 डाल के यहां पर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है सॉल्व करने में और सिलेक्ट करने में, यही डिफरेंस है, हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब हम दे रहे हैं टाइम कम करने की बात हो रही है तो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, इस तरीके से स्मार्टली भी कुछ क्वेश्चंस को आप चूज करिए बाय ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मेथड मैंने आपको बता के रखा हुआ है, उसके तहत कुछ क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं, ये तो मैंने कवर करा लिया था, इसका आंसर 2 होता है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, तो देखिए इस तरह के सवाल में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जैसे आप इसने इसको देखा आपने, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने से ये 5/1 है, जैसे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो ये सारी चीज जो है रूट 13 प्लस एक्स प्लस रूट 13 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर वाले ये जो वैल्यू है फिर से प्लस होगा, मतलब कुल मिला के रूट 13 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट 13 माइनस एक्स, ये ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। ये स्टेप मैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूं, यहां पे क्या होता है तो 5+1 डिवाइडेड बाय 5-1, यही होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, ए बाय बी माइनस इज इक्वल टू सी बाय डी होता है, तो ए प्लस बी बाय ए माइनस बी होता है, मतलब यहां पे फिर से एक बार रूट 13 प्लस एक्स आएगा प्लस रूट 13 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो प्लस नहीं, अब नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आएगा तो माइनस आएगा, माइनस रूट 13 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट 13 माइनस एक्स, यही होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, हमने देखा था शॉर्टकट में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, उसी चीज का एप्लीकेशन हम यहां पे कर रहे हैं कि a बाय बी इज इक्वल टू जब c बाय डी होता है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर होता है c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी, ठीक। तो ये चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के तहत, ठीक। तो इसमें यदि हम देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाता है, इसमें हम देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाता है, तो कुल मिला के क्या बचा, तो दो बार ये बचा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में और दो बार ये बचा डिनोमिनेटर में, तो 2 अंडर रूट ऑफ 13 प्लस एक्स बचता है न्यूमरेटर में और 2 अंडर रूट ऑफ 13 माइनस एक्स बचता है डिनोमिनेटर में, और उधर क्या बचता है तो 5+1 6, यानी कि ये क्या हो गया, ये हुआ आपका 6/4 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना एक और चीज फॉरवर्ड हम चल के करते हैं, यानी कि शॉर्ट ट्रिक और एक बार हम समझते हैं कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो जब इस तरीके के फॉर्मेट में है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इस तरीके के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो तब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो है हमने ये सीख के रखा था कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में कि हमने ये देखा था कि जब ए बाय बी प्लस सी बाय डी है तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाय सी माइनस डी है,
इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब अगर हमें a प्लस बी बाय a प्लस बी बाय a माइनस बी दिया हुआ है और c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी दिया हुआ है, जब हम इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो एक बार और लगाएंगे तो क्या होता है, तो यहां पर a प्लस बी प्लस a माइनस बी एक बार आएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, यही होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। और इसमें फिर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो c प्लस डी प्लस सी माइनस डी होगा और डिवाइडेड बाय c प्लस डी माइनस ऑफ c माइनस डी होगा। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने से हो क्या रहा है, ये सारी चीजें कट जा रही है, क्या कट जा रहा है, b से b कट जा रहा है, a से a कट जा रहा है, यहां पे d से d कट जा रहा है और यहां पे c से c कट जा रहा है। तो a प्लस a जोड़ोगे तो 2a आएगा, b माइनस माइनस b जोड़ोगे तो 2b आएगा, c से c जोड़ोगे तो 2c आएगा, डिवाइडेड बाय d माइनस माइनस d करोगे तो 2d आएगा। मतलब कुल मिला के हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो a बाय b प्लस इज इक्वल टू c बाय d आ रहा है। तो पहले से अगर कोई चीज इस फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली आप याद रखिए कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो इस लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो वैल्यू a बाय b ही आएगा और इसमें जब हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फिर से एक बार लगाएंगे तो वैल्यू c बाय d ही आएगा। इस चीज का आप शॉर्ट ट्रिक बना के रखिए क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है। ठीक, तो हमने पहले तो यह सीखा था कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है और उसके बाद हम आए कि a बाय बी प्लस सी बाय डी बराबर अगर दिया हुआ है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी होता है c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। अब मैं इसका उल्टा आपसे बात कर रहा हूं कि अगर हमें दिया हुआ है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी, इसमें हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाना है तो रिजल्ट सीधा उल्टा आ जाता है, यानी कि a बाय बी बराबर c बाय डी। ठीक है, तो मैंने अभी जो स्टेप आपको दिखाया था उसमें आप थोड़ा सा गौर करिए कि मैं इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा रहा हूं जो पहले से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें जब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगेगा तो अभी अभी जो मैंने पहला स्टेप बताया उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने के बाद क्या बचेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रूट ओवर यानी a बचेगा 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय b बचेगा जो कि है 13 माइनस एक्स, ये होगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने से। राइट हैंड साइड में 5 है तो 5 में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने का मतलब है 5 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 जो कि होता है 6 बाय 4, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 3 बाय 2। एग्जाम में हमको पेन इतना ही चलाना है। कुछ चीजें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर करवाता हूं और एग्जाम में क्या करना है तो इतना ही करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक, अब इस स्क्वायर रूट को हटाना होगा, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, जैसे ही मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा तभी हट सकता है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 13 माइनस एक्स बराबर है 9 बाय 4। ठीक, अब इसमें फिर से एक बार कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो हम लगाएंगे तो आप जानते हैं कि यहां पर तो 13 बचेगा, 13 बाय एक्स बचेगा क्योंकि ऑलरेडी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो यहां आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने के बाद। ऊपर क्या आएगा तो 9 प्लस 4 आएगा मतलब 13, नीचे क्या आएगा तो 9 माइनस 4 आएगा तो हो गया 5, 13 से 13 कट गया, x बराबर 5 आ। बताइए कितना समय लगेगा आपको एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए। दो बार हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया, उसके बीच में एक बार स्क्वायर किया, आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 5। तो जब भी इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है घबराना नहीं है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से इस तरीके का सवाल विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां x दिया हुआ है और 1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमें लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए अगर 1 प्लस एक्स लाना है तो सबसे पहली बात, मैं अगर हमें x दिया हुआ था तो मैं पहले 1 प्लस एक्स निकालना चाहूंगा, 1 बाय एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 बाय रूट 3। इसमें यदि मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और यहां पे आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, यही आएगा। ठीक, अब अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करता हूं, रैशनलाइजेशन करने पर क्या होगा, रैशनलाइजेशन करने पर यह वैल्यू बन जाएगा ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 प्लस रूट 3 मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनलाइजेशन हो गया, नीचे क्या आएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3 आ रहा है तो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर।
ये क्या है, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स है। यहां पर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें फिर से एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना था, तो अगर मैं एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं, ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं तो कहीं ना कहीं यही एक्सप्रेशन मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में, कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ऊपर के राइट हैंड साइड में क्या आया, तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है 1, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 होगा, मतलब 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 होगा, मतलब नीचे क्या आएगा, तो 1 प्लस रूट 3 आएगा। ठीक, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो राइट हैंड साइड में लगाओगे तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 आएगा जो कि हो गया 3 प्लस रूट 3, नीचे आएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 मतलब 1 प्लस रूट 3। तो अब हमारा जो है सॉल्यूशन आ चुका है। आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ऊपर, इसमें से यदि मैं रूट 3 को कॉमन निकालू, रूट 3 को कॉमन निकालू, तो यहां पर आपका 3 था तो 3 बन जाएगा रूट 3, और आगे रूट 3 था तो वो बन जाएगा 1। कहीं ना कहीं हमने रूट 3 को कॉमन निकाला तो ये रूट 3 प्लस 1 बन गया, नीचे 1 प्लस रूट 3 आ गया। अब आप देखिए कि ये रूट 3 प्लस 1 है और 1 प्लस रूट 3 है, ये दोनों चीजें तो कट जाएंगी, वैल्यू क्या आएगा तो रूट 3 आएगा, वैल्यू क्या आएगा तो रूट 3 आएगा। तो डी इस सवाल का सही उत्तर है। अगेन ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के ऊपर बेस्ड सवाल है, एग्जाम में आप अगर इसको सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से तो आपको यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज करना पड़ सकता है, बट अगर आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो पता है तो आप फटाफट इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 27 यहां पे क्यूब है, यहां पे डिवाइडेड बाय 81 है, मल्टीप्लाइड बाय 243 है, आगे देखोगे तो 3 के पावर x माइनस 1 है, नीचे यहां डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। अगेन जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं वो यही चार फॉर्मूलेज यूज होने हैं जो अभी हमने देखा था। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं, मैं उसका कमेंट्स आपका देखूंगा और देखूंगा कि कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। सबसे पहली बात, यहां पे 3 का क्यूब है, इसका होल क्यूब है, डिवाइडेड बाय 3 के पावर ये जो है ये 4 है, और मल्टीप्लाइड बाय ये 3 के पावर 5 है। ठीक, तो ये फ्रेंडलीनेस आपको चाहिए कि नंबर देखते साथ आपको समझ में आए कि 3 के पावर क्या चल रहा है। तो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कुछ चीजें याद रखिए, 2 के पावर 12 तक, 3 के पावर 6 तक, तो वो सारी चीजें जो है रिपीटेटेड एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये सारे नंबर्स आपको फ्रेंडली होने चाहिए, देखते साथ समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। 3 के पावर x माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर के पावर में आपका 2 लगा हुआ है। ठीक, चलिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं यहां 3 लिख लेता हूं, ये 3 3 जा, जैसे ही आप a के पावर m के पावर n करते हैं तो mn होता है मल्टीप्लाई, तो ये 9 बन जाएगा। डिवाइड देखा तो माइनस होगा, अगला वाला वैल्यू 4, मल्टीप्लाई देखा तो ये प्लस होगा और अगला वाला वैल्यू यहां पे 5 है। इसके बाद 3 के पावर यहां क्या है तो x माइनस 6 है और डिवाइड है तो माइनस होगा और माइनस के आगे पावर m के पावर n है, मतलब पावर mn हो जाता है, मतलब 4 हो जाता है। तो अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये 3 और 3 इक्वल थे तो ऊपर जो वैल्यूज है वो इक्वेट हो जाएंगे, मतलब यहां पे इक्वल टू क्या है x माइनस 10, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5 यानी कि 10 बन जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा 20, 20। तो सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, यहां पे दिया हुआ है 5x इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 35z, तो z का वैल्यू क्या है हमें निकालना है। इस तरीके के सवाल में करना क्या होता है, हमें इन नंबर्स को इस तरीके से जोड़ना होता है या डिवाइड करना होता है कि पहले और दूसरे को यूज करके तीसरा बने, या पहले तीसरे को यूज करके दूसरा बने, या दूसरे तीसरे को यूज करके पहला बने, इस तरीके का एक रिलेशन निकालना होता है। तो मैं दो सवाल लूंगा इसको, और प्रैक्टिस शीट में भी इस तरीके के सवाल आपके होंगे। 5 और 7 और 35 देखते साथ एक ही बात समझ में आती है कि 5 में 7 को मल्टीप्लाई करने पर 35 बनेगा, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, 5 को भी 35 के टर्म में लाएंगे, 7 को भी 35 के टर्म में लाएंगे, कैसे ये समझिए। 5 के पावर x बराबर 35 के पावर z दिया हुआ था, तो क्या मैं इस 5 को ऐसा लिख सकता हूं 35 के पावर z बटा x। ठीक, इसी तरह जो 7 था,
सात बराबर इतना है तो y दूसरे तरफ जाएगा तो 35 के पावर z बटा y आ जाएगा, मतलब 5 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ z की जगह, y के सात की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इस 35 5 की जगह मैं लिख देता हूँ 35 के पावर z डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 7 की जगह लिख लेता हूँ 35 के पावर z डिवाइडेड बाय y और ये हो गया 35 पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है, ठीक है। तो हमने यही यूज किया कि a के घात अगर x है बराबर b है तो a बराबर b के घात 1 बाय x होता है, बस इसी के तहत ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही मल्टीप्लीकेशन है तो आप जानते हैं क्या करना है, 35 के पावर को जोड़ देना है, मतलब z बाय x हो जाएगा प्लस z बाय y हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 के पावर 1। जब दोनों के दोनों सेम होते हैं डिनोमिनेटर में तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं। अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूं यहां से, मतलब ये बराबर एक हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों में से z को कॉमन निकालूं तो अंदर बच रहा है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, ये बराबर है 1 के, मतलब ये एक्स वाई बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय z है, ये 1 के बराबर है। तो दूसरे तरफ लेकर जाओगे तो z बराबर आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। यही तरीका है इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए, c जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के सवाल देखते साथ ये क्या करना है कि इन तीनों नंबर्स में पहले रिलेशन ढूंढना है कि क्या रिलेशन है। एक और सवाल मैं यहां पे ले लेता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए ये पैटर्न। यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 है, ये 125 है और 10 है। 4 जो है इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 2 के पावर x, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2x लिख सकते हैं। 5 है, ये 5 का क्यूब है तो इसको 3y लिख सकते हैं और इसको मैं लिख सकता हूं 10z। अब आप समझ गए होंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो होता है ये 10 के बराबर होता है। इससे ये होगा कि 2 बराबर जो है इस 2z को दूसरे तरफ ले जाओगे तो 10 के पावर z डिवाइडेड बाय 2x होगा। 5 को अगर हम दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो 10 के पावर z डिवाइडेड बाय 3y हो जाएगा, ठीक। तो इस 2 के जगह मुझे लिखना क्या है, 2 के जगह मुझे लिखना है 10 टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाय 3y इज इक्वल टू 10, ठीक। तो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो 10 के पावर में क्या होगा z डिवाइडेड बाय 2x प्लस z डिवाइडेड बाय 3y हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 10 के पावर ऑफ 1, ठीक। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इसमें आपको अगर समझना है तो ये है कि 2 स्क्वायर के पावर x था तो a के घात m के घात n है तो a के घात mn होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करके ये वाला रिलेशन हमने निकाला था। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं z को कॉमन निकाल लिया जाएगा यहां से, तो z कॉमन निकाल सकते हैं। अब z कॉमन निकला तो अंदर बचा 1 बाय 2x ठीक प्लस 1 बाय 3y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से z आ गया तो नीचे यहां पर 6xy होगा, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो अगर z का वैल्यू निकालना है बाकी सारी चीजों को दूसरे तरफ ले जाते हैं 6xy डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, ठीक। तो इस तरीके के सवाल में आपको करना क्या है मैंने बता दिया, आपको बस ये देखना है कि इन तीनों नंबर को किसी तरीके से हम रिलेट करें। तो 4 के अंदर जो छुपा हुआ था वो था 2, 125 के अंदर जो छुपा हुआ था वो था 5, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 10 बनता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अलग तरीके का पैटर्न है। इसमें देखिए आपको हीट एंड ट्रायल यूज करना है, हीट एंड ट्रायल से आप सॉल्व करेंगे, 2 के पावर x निकालना है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, आप ऑप्शन देखेंगे तो 16, 32, 64 और 128 है। 16 मतलब x का वैल्यू 4 हो गया, 32 मतलब x का वैल्यू 5, 64 मतलब x का वैल्यू 6 और 128 मतलब x का वैल्यू 7, मतलब यही सारे वैल्यूज हो सकते हैं x का। अब ऑप्शन में आप देखेंगे, सवाल देखेंगे तो ये 3 के पावर x प्लस 2 है माइनस 3 के पावर x माइनस 2 है, ठीक है। अगर मैं x को सपोज करिए मैं 4 लिखता हूं तो यहां पर अगर 4 लिखोगे तो ये x प्लस एक्स के मतलब 3 के पावर क्या हो जाएगा x प्लस 2, 3 के पावर x प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 4 लेने का मतलब है 3 के पावर हम 6 डाल रहे हैं और 3 के पावर 6 का वैल्यू 729 होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये पूरा वैल्यू 729 है तो 729 में माइनस करने पर क्या आप 2160 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। मैं x को 5 ले लेता हूं, x को हम ले लेते हैं 5, x को यदि मैं 5 लूंगा ये 3 के पावर आ जाएगा 7,
7 मतलब पहले तो 3 के पावर 6 आएगा, 729, ये 3 के पावर 6 होता है। इसमें एक और बार 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो बन जाएगा 2187, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 2187। दूसरी बात, ये जो 3 के पावर x माइनस 2 है, सेकेंड वाला x माइनस 2 है, तो अगर x 5 था तो x माइनस 2 क्या होगा, 3 के पावर 3 होगा, यानी कि 27। तो ये सेकेंड वाला वैल्यू माइनस 27 बन जाता है जब x का वैल्यू हम 5 लेते हैं। तो बताइए 2187 में 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2160 आएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 5। तो हिट एंड ट्रायल से इस तरीके के सवाल बनते हैं। x का वैल्यू अगर 5 हुआ तो आंसर 32 हो जाएगा, 32। क्यों? क्योंकि 2 के पावर x निकालना था हमें, और 2 के पावर x मतलब 32 होगा, क्योंकि 2 के पावर हमें 5 निकालना है, और 5 निकालना मतलब 2 के पावर 5 हमेशा 32 होता है, ठीक है। चलिए, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इस वीडियो को यहां पे रोकते हैं। वीडियो का नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कंपटीशन कम्युनिटी का लिंक लगाया हुआ है वहां से आपको कंपटीशन कम्युनिटी में जाना है, वहां पे आपको रजिस्टर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको यहां पर लेक्चर खत्म होने के बाद विद इन 2-3 आवर्स के अंदर आपको वहां पे अपलोड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सर्च इंडेक्सेस यहां पे कंप्लीट है। आने वाले क्लासेस में हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको यहां पर लगभग 45 क्वेश्चंस कराए, 45 क्वेश्चंस जिसमें मैंने सारे चीज कवर किया। आप चाहे SSCHSL टीयर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है इतने सवाल। बाकी इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के तौर पे कुछ नए सवाल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वीकेंड पे, सैटरडे संडे को, जो कि आपको फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। Thank you.